नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। मेरा नाम है नमन अग्रवाल। बिहार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता विश्वासघाती हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार को बैठक हुई, सबसे राय ली गई। बैठक में 100% लोगों ने कहा कि 2020 के चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को जीत दिलाई थी। उनके कार्यकर्ताओं ने हमें हराने का काम किया था। उसके बाद तय हुआ कि हम NDA में नहीं रहेंगे। ललन सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता विश्वासघाती हैं। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं ने कहा है कि जनमत के साथ खिलवाड़ हुआ है। बिहार के CM विश्वासघाती नहीं है। जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश में 7 सीटें जीती थी। हमारे 6 विधायकों को उन्होंने अपने में मिला लिया। 2019 में आपको जरूरत थी, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं हुई। 2020 का समय आया तो हमारे पार्टी के एक नेता को अपने में मिला लिया गया और हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आगे कहा कि नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार ने आग बंद करके बीजेपी पर भरोसा किया था, लेकिन बीजेपी ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। नीतीश जी से सुशील मोदी का अच्छा संबंध था, जिसकी सजा भारतीय जनता पार्टी ने सुशील मोदी को दी। आगे आप खुद सुनिए कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। विधान परिषद के सदस्य, पार्टी के सभी सांसद, लोकसभा के, राज्यसभा के, सबों को आमंत्रित किया था उन्होंने और सबों से उन्होंने राय लिया, क्योंकि बहुत दिनों से सब लोग तरह तरह से मिलकर मुख्यमंत्री जी को अपनी भावना व्यक्त करते रहते थे। तो कल उन्होंने लिया, करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय व्यक्त की और सभी 100% लोगों ने यह कहा कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में हम लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को हराने का काम किया। सौभाग्यवश हम लोग जो यहाँ जीत के बैठे हैं, हम लोग जीत के आ गए उनके पूरी साजिश के खिलाफ। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप निर्णय लीजिए हम लोग के साथ, उन लोगों के साथ रहना है कि नहीं रहना। और तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपनी पार्टी के साथियों की राय से सहमत हैं और हम आज के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नहीं रहेंगे। उसके बाद निर्णय हुआ, आप सब लोगों ने देखा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने त्यागपत्र दिया, फिर सभी लोगों ने समर्थन किया, एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और जो उनकी ओवैसी साहब की पार्टी के एक सदस्य हैं उनको छोड़कर, बाकी सबों ने मुख्यमंत्री जी को समर्थन दिया और फिर से क्लेम हुआ और आज मुख्यमंत्री जी। उसके बाद हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विश्वासघात हुआ, भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करती, हम लोगों ने के जनमत के साथ खिलवाड़ हुआ। उन लोगों को ये बोलने के पहले अपने गिरवान में झांकना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विश्वासघाती नहीं है, वो विश्वासघाती है और भारतीय जनता पार्टी विश्वासघाती। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण हुआ था 1996 में, जब श्रद्धेय अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी और हम लोगों के नेता श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस, इन लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया था 1996 में। और 1996 से 17 वर्षों तक हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में NDA में रहे, 17 सेकंड के लिए भी कोई समस्या किसी के साथ पैदा नहीं हुई। इसलिए कि उस समय के जो नेता थे आदरणीय श्रद्धेय अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, वो गठबंधन धर्म का पालन करते थे, अपने सहयोगी दलों का सम्मान करते थे, अपने सहयोगी दलों की बात सुनते थे। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम पर, भाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड अरुणाचल में 7 विधानसभा की सीट
जीती भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़की। आप सत्ता में बन गए, वहां सरकार बना ली आपने, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे विधायकों ने भी लिखित समर्थन दे दिया कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है, जो यहाँ सरकार बनी है उसका हम समर्थन करते हैं। उसके बाद 6 को विधायक को तोड़ दिया, गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे। यही गठबंधन धर्म अटल जी ने जो निर्माण किया था एनडीए का, यही गठबंधन धर्म था। ये गठबंधन धर्म नहीं था। अटल जी, अडवाणी जी, जो जोशी जी के जमाने में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कोई कहीं से ज्वाइनिंग नहीं कराता था, कोई दल बदल नहीं होता था। 7 में से 6 विधायकों के तोड़ लिया, उसके बाद भी हम मजबूत हैं। वहां हम लोकल बॉडी का चुनाव लड़े ईटानगर में, 10 आप जीते, 9 हम जीते, और एक जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है उसका जीता, उसने आपको समर्थन नहीं किया। 5 महीने तक वहां मेयर का चुनाव नहीं हुआ। अंत में हम ही लोगों ने कहा कि भाई दे दो उन्हीं लोगों को समर्थन, तो 11 हुआ उनका, तब वहां मेयर का चुनाव हुआ। हम उसके बाद भी वहां मजबूत हैं और चुनाव लड़ेंगे। खैर उस बात को छोड़िए, लेकिन हमने कहा कि अरुणाचल में क्यों आपने दल बदल किया कराया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर में, जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों को क्यों आपने तोड़ा। 2019 के लोकसभा के चुनाव में आपको जरूरत थी, आप देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो इसलिए कोई गड़बड़ नहीं हुई, इसलिए कि आपको वोट चाहिए था। और जैसे ही 2020 का विधानसभा का चुनाव आया, आपने षड्यंत्र किया, साजिश की, और हमारे पार्टी के एक नेता को, जिसको मुख्यमंत्री जी ने खुद से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ के उस पर विश्वास करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, उस आदमी को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनसे बात कर लीजिएगा, और उसको मिला लिए हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र में, साजिश में। और साजिश करके कितने कैंडिडेट थे लोजपा के उसमें, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन लोगों ने लोजपा में भेज के टिकट दिलवा के, और अपने सभी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश देके कि लोजपा के साथ लगे रहो। और सब चुनाव हार गया, और चुनाव हारने के बाद सब फिर भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए। यही तो काम कर रहे थे 2020 में, बड़ा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का धर्म का निर्वाह कर रहे थे। और उसके बाद जब 2020 में हो गया, 42 सीट आ गई, तो मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, आपने जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बनाया, और जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनवाने के बाद जो छुट भैया नेता लोग जो बयान दे रहे थे कि हम बड़े भाई हैं, हमारी कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हम इतिहास बताएं, 2005 में आप कह रहे हैं कि 2005 में कितना सीट था जेडीयू को, 2005 में जेडीयू को 88 था, आपसे ज्यादा सीट विधानसभा के चुनाव, तब भी बहुत ज्यादा था, तब भी मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा। हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता और एक नेता ने ये नहीं कहा कि हम बड़े भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी है, वो छोटा भाई है, हम बड़े भाई। पूरे सम्मान के साथ मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन धर्म का पालन किया। 2010 के चुनाव में हमको कितना था, जनता दल यूनाइटेड को 118 सीट थी, 118 पर नीतीश कुमार जी अकेले सरकार बना सकते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, बीजेपी भी है इसमें, उसको भी पर्याप्त सम्मान और इज्जत के साथ उन्होंने हिस्सेदारी दी। कभी नहीं कहा 2010 से 2015 तक, 2013 तक जब तक वो एनडीए में थे, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम बड़े भाई हैं आप छोटे भाई। कितना हिस्सेदारी दी, बराबर का हिस्सेदारी दिया उनको। 2015 से 2020 तक कौन बड़ा भाई था, आपको कितना है भाई। प्रधानमंत्री इस देश के बिहार के 2015 के विधानसभा के चुनाव में 42 आम सभा किए थे, और जीते कितना, मात्र 53 सीट। उसके बाद जब हम लोगों ने 2017 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जाने का फैसला किया, कौन बड़ा था, कभी हम लोगों ने कहा क्या कि हम बड़े भाई हैं आप छोटे भाई हैं, कभी नहीं कहा हम लोगों ने। इसलिए कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि गठबंधन अगर करिए तो साथी के साथ सम्मान का भाव रखिए और सम्मान के भाव के साथ चलिए। आप क्या करते हैं, आप कौन सा धर्म का पालन करते हैं, अभी बोल रहे हैं कि बड़ा जनमत का अपमान हुआ, और 2015 में जब नीतीश जी जीते थे तो किसके गठबंधन से जीते थे, किस गठबंधन के साथ जीते थे। नीतीश कुमार जी जीते थे महागठबंधन के, और महागठबंधन से जीतने के बाद 2017 में जब एनडीए में शामिल हो गए तो बड़ा जनमत का सम्मान हो रहा था,
और आज जनमत का अपमान हो रहा है। बारे भैया क्या है, क्या हिसाब है, कौन सा खेल करना चाहते हैं आप? न गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, न अटल जी अडवाणी जी ने जिन सिद्धांतों पर जीत नीतियों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया, न उसका पालन करते हैं। आप कर क्या रहे हैं? देश की जनता ने आपको मैंडेट दिया, देश की जनता ने आपको जो मैंडेट दिया वो मैंडेट किस लिए दिया? वह देश में शासन न करिए, देश में शासन करने के बजाय, देश की समस्याओं से उलझने के बजाय पूरे देश में तनाव पैदा कर रहे हैं, पूरे देश में तनाव पैदा कर रहे हैं। तनाव करके विकास नहीं होता है, और इसीलिए 2005 में ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था, न्याय के साथ विकास, सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव। आप कौन सा माहौल खराब कर रहे हैं पूरे देश का? महंगाई बढ़ रही है, आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कितना को रोजगार दिया आपने? 3 लाख लोगों ने आर्मी की परीक्षा 3 साल पहले पास की है, कोरोना काल के पहले 3 लाख से ज्यादा लोगों ने पास किया है, उनका मेडिकल टेस्ट हो गया, आज तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ, उसको बंद कर दिए और 4 साल के लिए अग्निवीर बना रहे। अग्निवीर भी बना के आप कौन सा काम करना चाहते हैं इस देश में? 4 साल के बाद उसको रोड पर भेज दीजिएगा, वो बेरोजगार कहां जाएगा? और उन 3 लाख लोगों का क्या हुआ जो दौड़ में कम्पीट किए, मेडिकल में कम्पीट किए, सब में कम्पीट किए, उनका मेडिकल टेस्ट हो गया और आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिली। हमने देखा था जब अग्निवीर का योजना लागू हुआ था तो उनके कोई एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विजय वर्गीस, उन्होंने कहा कि अरे पास करेगा 4 साल के बाद तो हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में सबको सिक्योरिटी गार्ड में रख लेंगे, किसी अखबार में देखा था। यही तो सोच है आपकी, यही तो आपको देश चलाने की सोच है। तो देश चलाने की का जो सोच है उसके आधार पर देश तरक्की नहीं करेगा। बिहार अगर तरक्की किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, काम के प्रति समर्पण भाव से भाषण दे रहे हैं। अरे हमारे जो जिनका नाम लिए श्री आरसीपी सिंह साहब जो पहले यहाँ थे, जिनको मुख्यमंत्री जी ने अपना इस्तीफा देके उनको बना दिया था, उनका भी देख रहे हैं जनमत का अपमान हुआ। अरे जो 4 आदमी नीतीश कुमार जी को लेके चले गए थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, उसमें आप भी एक थे, तो उसमें जनमत का अपमान आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था? अरे आप तो नीतीश कुमार जी ने जो विश्वास किया, जो आप पर उन्होंने भरोसा किया, आंख मूंद कर आप पर विश्वास किया, और आपने आंख मूंद कर नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के जनता दल यूनाइटेड के अंदर आप अब प्रवचन दे रहे। उसमें से 4 आदमी जो हमने कहा सलाह देने वाले में, एक आदमी भी है संजय झा जी, तो ये तो है अभी हम लोग के साथ, ये बरकरार है। मनीष जी कह रहे हैं हम भी थे, आप भी थे क्या? तो इसलिए उसमें एक ही थे, और एक जो राज्यसभा में उप सभापति हैं हरिवंश जी, वो कल मीटिंग में नहीं आए थे, वो एकमात्र थे जो नहीं आए थे। हमने उनसे फोन पर बात किया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के ने हमको सार्वजनिक जीवन में लाया है, हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं और नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। तो 2 हो गए और 2 लोग चले गए उधर, एगो राष्ट्रपति के पत्रकार सलाहकार हो गए, एगो तो टोटल एजेंटे हो गए, उनके टोटल एजेंट हो गए। तो ये स्थिति थी, तो इसलिए आज है। अब एगो हम देख रहे थे सुशील मोदी जी का भी कुछ बयान था, सुशील मोदी भी कुछ बोल रहे हैं। भाई देखिए, सुशील मोदी जी नीतीश जी के मित्र रहे, हम सुशील मोदी जी पर कुछ बोलना नहीं चाहते, इसलिए कि सुशील मोदी जी नीतीश जी से उनका अच्छा संबंध था, इसकी सजा उनको दिया भारतीय जनता पार्टी, वो रोड पर बेचारे उनको रख दिया। तो अब ये सब कुछ बोल बाल के अगर फिर से उनका रिहैबिलिटेशन अगर हो जाता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बोल के रिहैबिलिटेशन अपना करा लें। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है सफेद झूठ है। रविशंकर प्रसाद बेचारे कुछ बोल रहे हैं, वो भी बेरोजगार है, आजकल सरकार में थे, मंत्री थे, ड्रॉप हो गए, मंत्री से ड्रॉप हो गए तो अब कुछ बोल रहे हैं, तो अब 2 साल बचा है, कहीं फिर एक आध चांस लग जाए 2-4-6 महीना के लिए, तो उसलिए वो प्रयास में है। तो उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति है, सुशील जी के प्रति हमारी सहानुभूति है। आई संजय जायसवाल जी तो RJD में के कैंडिडेट न रहे हैं, संजय जायसवाल जी कौन सी प्रवचन दे रहे हैं, विश्वासघात बता रहे हैं। अरे विश्वासघात तो आप करते हैं, विश्वासघाती आप हैं, गठबंधन धर्म का पालन आप नहीं करते हैं। तो इसलिए ये सब बात साफ रिकॉर्ड पर आ जाना चाहिए कि वो गलत हैं,
और नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है वो अपनी पार्टी के नेताओं के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के की भावना के अनुरूप उन्होंने यह फैसला लिया कि नीतीश कुमार जी का स्वभाव, और मनीष जी आप भी नीतीश कुमार जी को बहुत नज़दीक से जानते हैं, नीतीश कुमार जी का स्वभाव है कि किसी चीज को जब तक बर्दाश्त करने की उनकी क्षमता होती है तब तक वो बर्दाश्त करते हैं। लगातार अपमान किया जा रहा था, ये छुट भैया नेता लोग रोज बयान देते रहे, मेरी कृपा से बने हैं, हम बड़े भाई हैं, कोई कह रहा है हम क्षेत्रीय दल का अस्तित्व मिटा देंगे, कोई कुछ बोल रहा है, और कोई आके बोल रहा है कि 2024 में 2025 में हम उनके नेतृत्व में रहेंगे। अरे तो कथनी और करनी दोनों में अगर एक रूपता नहीं रहेगी तो उसका परिणाम तो वही होगा जो आज हुआ। दूसरी बात, आपने कहा सुशील मोदी जी उपराष्ट्रपति, अरे काहे का उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी को तो पहला दिन जब मीडिया में चला कि राष्ट्रपति के वो उम्मीदवार हो सकते हैं, उसी दिन मैंने कह दिया था कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं है और नीतीश कुमार राष्ट्रपति कभी नहीं बने, तो उसी दिन कह दिया था। सुशील जी को तो हमने कहा आपको अभी कि सुशील जी बोल रहे हैं अब वो बेचारे का पुनर्वास हो जाए तो इससे बेहतर हम लोगों के लिए खुशी की बात कोई नहीं होगी, इसी सब यही सब बोल के पुनर्वास हो जाए। एक बार और हम जानते हैं, उसके पहले भी एक बार बहुत भारी पुनर्वास में थे, राज्यसभा में तो नहीं गए थे तब बिहार में थे। एक मिनट हरिया भाई, उनका जवाब देने दीजिए, अरे उसका पहले जवाब हुआ तो दे दे, अरे सप्लीमेंट्री सवाल अभी पहले मेन जवाब दे देना, अब ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं जवाब देते अभी हम, ऐसे नहीं जवाब देते हैं, हमको देने दीजिए। उन्होंने जो बीच में भी बनवास में थे, ये संजय झा जी गवाह हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो हम सबों से जिनका बहुत गहरा संबंध था, अरुण जेटली जी, वो अब नहीं है इसमें, और अरुण जी ने, हम और संजय झा दोनों थे, अरुण जी ने कहा एक दिन, हम उसमें एनडीए में नहीं थे, हम उसमें महागठबंधन के पथ निर्माण मंत्री थे और हम गए थे, अरुण जी से जब जाते थे तो हम लोग मिलते थे और वो भी प्रेम से खिलाते थे कहीं भी ले जाके, तो अरुण जी ने कहा हमको कि यार सुशील अपना दोस्त है, उससे कोई बात नहीं करता है, यहाँ फोन करता है, हमने उसको कुछ कुछ दे के और उसको फिर से पुनर्स्थापित करने में हमने योगदान किया, हमका बहुत अच्छा काम। तो फिर से अभी वो अरुण जी जैसे लोग तो नहीं है, लेकिन अभी सब बयान देने से अगर सुशील जी का पुनर्वास हो जाता है तो हम लोग को पूरी सहानुभूति सुशील जी के साथ है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट क्वेश्चन क्या था, ऐसा विधायकों को, हमारे विधायकों को कोई नहीं तोड़ पाएगा, एक बात बता देते हैं, हमारे विधायकों को कोई तोड़ नहीं पाएगा। प्रयास तो राष्ट्रीय जनता दल पर कल कर रहे थे, आपका तो कुछ कुछ संबंध सब जगह है मनीष जी, पता लगा लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को फोन कर रहे थे कि भाई रुक जाओ किसी तरह 3-4 दिन रुक जाओ, तो ये सब काम वो लोग उधर करते हैं, इधर कोई उनका एजेंट नहीं बचा, एक वो एजेंट था जिसको नीतीश कुमार जी पहचान लिए और विदा कर दिए, बेटिकट कर दिए, अब तो बेटिकट कर दिए तो अब कहां उनका कौन एजेंट यहां बचा है जिससे वो प्रयास करते। बोलिए अब आप, और इनकम टैक्स सीबीआई और ईडी से हम लोग को क्या लेटर लगेगा, हम लोग कोई कंपनी चलाते हैं हम लोग कोई कंपनी चलाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, जितना ही भी सीबीआई आईडी लगाना है लगा ले, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग का आमदनी हम लोग का कृषि से है, हम लोग का आमदनी हम लोग के वेतन से है, हम लोग का आमदनी जो घर है उसके किराया से है, इसके अलावा कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, उनको जितना ईडी लगाना है लगा ले। ठीक कहा नीतीश जी ने, ठीक कहा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये भी एक साजिश था कि पुराने जितने लोग थे उस सबको हटा दिया, भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग में नंदकिशोर जी, सुशील जी, सबको विदा कर दो और नया लोगों को ले आओ ताकि अनर्गल बयान सब नीतीश जी को के खिलाफ देता रहे और वहां से हम लोग कहें कि देखिए हम लोग 2024 में भी और 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और इधर कह दिया कि देते रहो तुम लोग जारी रहो, जैसे लोग विधानसभा के 2020 के चुनाव में कह दिया कि हम लोग एकदम गठबंधन मां, हम लोग का राष्ट्रीय एनडीए जो है इंटैक्ट है, और
दाएं दाएं पीछे से चल जाइए, आप लड़ जाइए लोजपा से, चल जाइए आप लड़ जाइए लोजपा से, आप टिकट ले लीजिए लोजपा से, ये सब काम करते रहे। आज जैसे ही चुनाव सब हार गया लोजपा से, सबको कह के आ जाइए भाजपा में, आ जाइए भाजपा में। कोई परिस्थिति नहीं बनी थी, हमने तो अभी बता दिया, आप सुने नहीं कि चार आदमी थे लगे हुए, उसमें संजय जाजी भी थे, चार आदमी लगे हुए थे, उनको कह रहे थे कि इतना दिन लंबे समय से आप इंडिया में रहे हैं, चले जाइए, मोदी जी बड़ा आपको प्रेम करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।